नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आरोन में। आरोन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह रघुवंशी के समर्थन में आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आरोन से 3 किलोमीटर ग्राम गोरैया हेलीकॉप्टर से पहुंचे। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अगवानी की। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर केशव प्रसाद मौर्य को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात कार से सभा स्थल दास हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और भूपेंद्र सिंह रघुवंशी राधोगढ़ विधानसभा उम्मीदवार को भारी मतों से विजय दिलाने की जनता से अपील की। आदरणीय भौरे जी, मंडल अध्यक्ष नाम किसी का रह जाए, लेकिन जिनको भी यहाँ भाई महाराजन जी पार्षदपति पधारे, श्री राम लाला जी प्रदेश तक जानी चाहिए। ठीक है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी राघवगढ़ के प्रत्याशी श्री भूपेंद्र रघुवंशी जी के समर्थन में आज मैं यहाँ पर आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि जिस प्रकार से पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ है, इसी प्रकार से अपने अपने बूथ की ईवीएम मशीन को कमल के फूल से खचाखच भर देने का काम करिएगा। 28 तारीख को मतदान हो रहा है और 28 तारीख पर सबकी नजर भी है। आज की इस सभा में हमारे जिला अध्यक्ष श्री राधेश्याम पारिक जी, पूर्व प्रत्याशी श्री राधेश्याम धाकड़ जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष कृष्ण सिंह रघुवंशी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह रघुवंशी जी, हमारे उत्तर प्रदेश से चित्रकूट से आए हुए, चित्रकूट इधर भी है, चित्रकूट उधर भी है, वहां से आए हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अशोक जाटव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राम मोहन चौकसे जी, सह प्रभारी श्री प्रमोद सक्सेना जी, अन्य हमारे सभी पहलवान सिंह रघुवंशी जी, सुरजीत सिंह धाकड़ जी, संजीव जैन जी, रेखा संजीव सोनी जी, पार्षद कमल में आप सबके हाथों में देना चाहता हूँ। उस कमल की इज्जत को आप लोगों को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र भाई साहब। राम भक्त कोई भी जाएगा, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे प्रबंध किए हैं। कोई धर्म सभा करे, कोई राम भक्त अयोध्या जाए तो अयोध्या जाने से किसी को रोक नहीं। राम मंदिर की ओर से सरकार, केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान का मामला सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की पक्षधर है और यहाँ मैं उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री होने के नाते भी, राम भक्त होने के नाते भी कह सकता हूँ कि अब रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर ही बनेगा। बाबा के नाम की कोई मस्जिद नहीं बनेगी, कोई मकबरा नहीं बनेगा, कोई इमारत से थोड़ा नीचे कर ले। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और फैसला आते ही मंदिर निर्माण शुरू होगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में सरकार बनाने का चौका लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सीट को लेकर क्या विचार है आप? इस सीट को लेकर क्या विचार है आप? यह सीट निश्चित तौर से जीतेंगे। इस सीट को जीतने का एक जिद है कि इसको जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अंदर कब बनेगा? ग्राम रवास के मजरा ग्राम में गोविंदपुरा में सभी मतदाताओं ने यह फैसला किया है कि इस बार गांव का एक भी मतदाता मतदान करने नहीं जाएगा। इसका कारण यह है कि पिछली बार वोटिंग में पोलिंग बूथ एक ही जगह पर था, लेकिन इस बार पोलिंग बूथ दो स्थानों पर कर दिया गया है, एक मृगवास और एक बड़कुआ में रखा गया है। इसको लेकर सभी ग्रामवासी रुष्ट हैं और मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि अगर पोलिंग बूथ हमारे ग्राम में आती है तो ही हम मतदान करेंगे। हाँ, तो बालचंद जी बताएंगे आप, पूरे ग्रामवासी पोलिंग, आप वोट क्यों नहीं डालना चाहते? देखो, मैं ग्राम गोविंदपुरा से बालचंद लोधा एक छोटा शिक्षक हूँ।
हमारे गांव में वोटिंग है 450, फिर भी हमारे गांव में मतदाता केंद्र नहीं बना है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव गोविंदपुरा में पोलिंग बूथ बने, जिससे सभी बड़े बुजुर्ग बिना परेशानी के वोट डाल सके। अच्छा, तो आपका पूरा गांव ही मतदान नहीं करेगा इस बार? इस बार हमारा ये है कि जो जिनका 50% मृगवास पंचायत में नाम आया है वोट डालने का, वो वहाँ जाएंगे। और जिनका 50% मतलब आधे लोगों का, यहाँ से 6-7 किलोमीटर जंगल में एक बड़खोवा गाँव है, उसमें नाम आया है, उसमें हम वोट डालने नहीं जाएंगे। कि बड़खोवा में हम वोट डालने नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। पूरब से हमारे मृगवास पंचायत में वोट डालते थे, हमारे बड़े बूढ़े मृगवास में डाल रहे हैं, और वो 7 किलोमीटर पड़ता है बड़खोवा, हम कैसे जाएंगे वहाँ से? बड़खोवा की भैया हमारे गोविंदपुरा में लगना चाहिए केंद्र। अच्छा, आपके हिसाब से कहाँ पे मतदान केंद्र बनना चाहिए, पोलिंग बूथ कहाँ बनना चाहिए? पोलिंग बूथ पे नहीं बनना चाहिए गोविंदपुरा में, जब 400-500 वोटिंग है। यहाँ पे कितनी वोटिंग है? 500 वोटिंग है हमारे गोविंदपुरा में, मतलब हम जा रहे हैं बड़खोवा। नहीं, हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारे यहाँ पोलिंग नहीं आ रहा। पूरी जनता जनसंख्या गाँव की जो है, मतलब इसी पोलिंग के द्वारा जुड़ी जाए। मिडिल स्कूल का है साहब, ना यहाँ पे मिडिल स्कूल है, और लगभग 500 से 600 की वोटिंग है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हाँ देंगे और क्या। विधानसभा चुनाव में लगे उड़न दस्ते द्वारा की गई अवैध होर्डिंगों पर कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध होर्डिंगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें शहर में लगे होर्डिंगों पर बिना परमिशन राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में लगाए गए थे। गुना में कितने होर्डिंग्स हैं, इसकी जानकारी भी लगाई जा रही है। ये तो आप ही हैं साहब, यार हो तो का मतलब यार हो तो है ना। ये कह रहा है कि मेरे विधानसभा में बहुमत वाले क्यों आ रहा है? क्यों आ रहे हैं? हां मतलब तारी ने को बोला। ये देख रहे हैं कि जो होर्डिंग लगे हुए हैं, किसी इसको अनुमति जारी है, और यदि ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है कि बगैर अनुमति जारी हुई है उन्होंने होर्डिंग वगैरह लगा दिए हैं, तो उनको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर परमिशन है तो कोई, यदि परमिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि मान लो परमिशन नहीं होगी तो जब्त किया जाएगा और उनके ऊपर सबसे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तुलसी विवाह के मौके पर निकाली गई शालिग्राम की बारात। तुलसी विवाह के मौके पर अग्रवाल धर्मशाला में भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई। इस बारात में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। युवा मोर्चा के द्वारा गुना से भाजपा के प्रत्याशी गोपीलाल जाटव के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। यह बाइक रैली प्रताप छात्रावास से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा अपने हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर गाड़ियों पर बैठे थे। Thank you.
गुना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश अहिरवार ने किया जनसंपर्क तेज। आज कांग्रेस के प्रत्याशी ने लक्ष्मीगंज में एक जुलूस के माध्यम से जनसंपर्क किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी से गुना विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सुरेश जाटव द्वारा किया जा रहा है जनसंपर्क। सभी पार्टियों के बीच बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश जाटव द्वारा मोहल्ले और कॉलोनी में घूम घूमकर लोगों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की जा रही है। म्याना में आज श्री जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल म्याना की ओर से मतदाता जागरूकता रैली अभियान के तहत रैली निकाली गई। साथ ही मतदान को 100% तक करने की ग्राम म्याना के मतदाताओं से अपील की गई, जिसमें प्राचार्य श्री राजीव भार्गव ने छात्र छात्राओं को एवं समस्त स्टाफ को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को 28 नवंबर को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल को आप देखिए बहुत जल्दी है एक नए नाम एवं एक नए रूप के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।